नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नाइट्रोजनस बेस की बात। ग्रीन का केमिकल नेम है 6-अमीनो प्यूरीन, वहीं पर ग्वानिन का 2-अमीनो 6-ऑक्सी प्यूरीन। ये प्यूरीन के दो पार्ट हो गए। फिर है पिरामिडिन, पिरामिडिन में साइटोसिन, साइटोसिन का है केमिकल नेम 2-ऑक्सी-4-अमीनो पिरामिडिन। थायमिन, थायमिन का है 2-4-डाइऑक्सी-5-मिथाइल पिरामिडिन। और तीसरा है पिरामिडिन का, वो है यूरेसिल 2-4-डाइऑक्सी पिरामिडिन। तो इस तरीके से चलिए कर लेते हैं। क्लास का टाइमिंग जरूर आप लोग ध्यान रखें, लिंक डालने पर 10 मिनट के बाद मैं शुरू कर दूंगा। अब लिखिए प्यूरीन, प्यूरीन में दो चीजें हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। परीक्षा में पूछा जाता है ये नहीं हुआ। यूरिन के बाद है पिरामिडिन। पिरामिडिन में तीन है, पहला साइटोसिन, इसका केमिकल नेम है 2-ऑक्सी-4-अमीनो पिरामिडिन। साइटोसिन के बाद है एमिन का केमिकल नेम है 2-4-डाइऑक्सी-5-मिथाइल। चार्जर निकाल लो। तीसरा है यूरेस, ये नोट कर लीजिए, केमिकल नेम याद होने से ही परीक्षा में पूछा जाए। डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। डीऑक्सी इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि कार्बन नंबर 2
होता कार्बन नंबर टू पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। लीजिए हाइड्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजनस बेस के साथ सुगर बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। चार का फ्रूट क्या कहता है? कहता है ए के साथ टी इक्वल होता है। एवं सी के साथ सी सी मतलब साइट्रोसिन के साथ पानी पॉली पार्टिसिपेट इक्वल होता है। और डीएनए के लिए चार का फ्रूट फॉलो होता है क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। कहा जाए तो और शॉर्ट में इसको ए बराबर टी एफ टी बराबर जी। नेक्स्ट लिख लीजिए डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भैया फोन कर लेना वीडियो कॉल आ रहा था। भैया फोन कर लेना वीडियो कॉल आ रहा था।
लिखाना वहां पे जॉइन को ऑप्शन आ रहा है प्रपोज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड प्रपोज किया था प्रपोज्ड बाय जेम्स भैया को ही है भैया को है तुम्हारा तो मैं भी आ रहा हूँ वो नहीं आ रहा हूँ क्या कर रही है लगा रही नहीं आ रहा हूँ हम पढ़ना कर रहे हैं आइए आओ एक सेकंड नेट ऑफ है तुम्हारो सब कुछ होता है डीएनए का स्ट्रक्चर 5 प्राइम है 3 प्राइम प्राइम से हम लोग थ्री प्राइम तरफ जाते हैं और थ्री प्राइम से फाइव प्राइम तरफ जाने का डबल हेलिकल मॉडल अरेंज होता है ठीक है ये वाला पार्ट छोड़ते हैं इसमें मैं बोलूं ना नहीं बोलूंगा तो बोलेगा ना बात करेगा ना राइबोस शुगर और उसके बाद आता है शुगर वापस डबल बॉन्ड के साथ वापस इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ पानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और एस सोवान आगे भी इसी तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है खास बात यह है कि इनमें जो बॉन्डिंग हुई है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हम बात कर लें दो नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्डिंग हुई है ये हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से दोनों न्यूक्लियर दोनों नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं कहा जाए क्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ये मेसन ग्रुप ग्रुप कहलाता है दो स्ट्रैंड के बीच
थोड़ा छोटा मैं बना देता हूँ। दो स्पैन की बीच दूरी है 2.0 नैनोमीटर, 2.0 नैनोमीटर। मान लीजिए तीन चार, तो प्रत्येक पेयर एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर होते हैं, या कहें तो 0.34 नैनोमीटर प्रत्येक पेयर के बीच। आगे लिख रहा हूँ, परेशान ना हो, बस इसको नोट करके चलो आप। यहाँ हेलिक्स के प्रत्येक टर्न की दूरी 3.4 नैनोमीटर, हेलिक्स के प्रत्येक टर्न की दूरी के बीच डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर का होता है। दो पास होते हैं, ये पास बनाते शुगर और फास्फेट के बीच, शुगर है और ये फास्फेट के बीच जो बॉन्डिंग है वो बीटा एन ग्लाइकोसिन बॉन्ड है। नोट कर लीजिए, इसकी चर्चा डीएनए डबल हेलिक्स राइट हैंड है, यह डीएनए डबल हेलिक्स राइट हैंड है। दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये, दूसरा स्ट्रैंड ये, दोनों स्ट्रैंड
एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ब्रैकेट में लिख लो 5' to 3', 3 5' to 5। होते हैं मतलब एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों स्टैंड के बीच की दूरी 2 नैनोमीटर है। एलिप्स के प्रत्येक टर्न की दूरी 3.5 मीटर या 34 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक बेस गियर की संख्या 10 है। एक बेस पेयर की संख्या 10 है। प्रत्येक पेयर एक दूसरे से 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। एक दूसरे से दूसरे से 0.9 मीटर कहा जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन बॉन्ड को पते होते हैं कहा जाए तो एटी बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड और जीसी बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यह चारगाव के नियम का पालन करते हैं। वो स्ट्रैंड होने के कारण दो स्टैंड होने के कारण चार था एक नियम का पालन करते हैं, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी एक स्टैंड पर पाया जाता है तब उस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। जेनेटिक स्टैंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी एक स्टैंड पर पाया जाता है कहते हैं।
लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए पी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर, दो तीन अंतर लिख दो। पी डीएनए राइट हैंडेड होता है और जेड डीएनए लेफ्ट हैंड। डीएनए में बेस पेयर की संख्या 10 होती है जबकि जे डीएनए में ये संख्या 12 है। हेलिक्स एक्सिस तो हेलिक्स एक्सिस का रोटेशन मेजर ग्रुप द्वारा पी डीएनए में होता है जबकि जेड डीएनए में माइनर ग्रुप द्वारा होता है। अब देख लो ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए, वापस से बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार की बॉन्डिंग को ऑगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस प्रकार की बॉन्डिंग ऑगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस प्रकार की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है काफी कमजोर होती है या डबल स्टैंडर्ड से कमजोर होता है, यह डबल डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जैसे पढ़े थे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है अगर उसको ब्रेक कर दिया जाए तो फिर वो कहलाता है डीनेचुरेशन। देख लो लॉस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है, डीएनए डीनेचुरेशन होती है और कैसे लॉस होता है, ब्रेकिंग होती है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की। लिख लो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कौन से बॉन्ड के ब्रेकिंग से डीएनए का डीनेचुरेशन कर दिया।
सर एक बात बता दीजिए, एनाटॉमी हो गई क्या पढ़ा के? अभी बच्ची है एनाटॉमी हो गई या बच्ची है? एनाटॉमी सर अभी नहीं हुई, नहीं हुई सर। सब्जेक्ट की बात करें ना, नहीं पढ़े बहुत बड़ी है ना। चलिए अब लिख लीजिए, आ रहे अरे मैं राइबो न्यूक्लियोटाइड के बारे में, ये राइबो यो पॉलीमर होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। इसमें पेंटोज शुगर डीएनए में डी ऑक्सी राइबो मिलता था, यहाँ राइबो मिलता है। तो राइबो पांच कार्बन का, प्यूरीन एडेनिन और ग्वानिन है। प्यूरीन तो जबकि पिरामिडिन के रूप में आईवी एक्शन होता है। क्या बचा? यूरेसिल एंड साइड। ये जो यूरेसिल है ये क्या आईवी में लग रहा है? आईवी की जगह पर यही यूरेसिल कार्य करता है। थायमिन की जगह ये कार्य करता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण चार काम के रूल को फॉलो नहीं करता। आरएनए के टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लिखिए टाइप सा सबसे पहला है मैसेंजर आरएनए। इसका कंट्रीब्यूशन टोटल आरएनए में 5-10% है। देखिए इसे हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। क्या करते हैं ये एमआरएनए? ये साइटोप्लाज्म में प्रवेश करके साइटोप्लाज्म में प्रवेश करके प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। सेकेंड नंबर है ट्रांसफर आरएनए। आरएनए
डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा टीआरएनए करो इसको या सॉल्युबल आर टोटल आरएनए में 10 से 20 परसेंट का होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 25,000 न्यूक्लियोटाइड की संख्या 71 से 80 से 80 इसे सबसे पहली बार बोले ने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट डिस्क्राइब बाय साइंटिस्ट लिख लीजिए इसका लीफ क्लोवर मॉडल जैसा होता है स्ट्रक्चर बनाने से बड़ा Thank you.
जीव का ओवरी जैसा स्ट्रक्चर है इसका, इसमें डिफरेंट आर्म्स है, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये 5 5 प्राइम हुआ, और चूंकि कहीं भी कट नहीं सीधे यहाँ पर होता है इसलिए ये 3 प्राइम है। यहाँ पर कुछ गुणांस लगे हुए हैं इसे एक्सेप्टर आर्म, और एक्सेप्टर आर्म में 7 बेस पेयर पर संख्या 7 बेस पेयर होती है। टी साइज सी आर इनका जो बेस पेयर है संख्या वो है 5। ये 5 है, ये वेरिएबल आर, वेरिएबल आर। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगे होते हैं, यहाँ पर एंटी कोडॉन लगे होते हैं, इसलिए ये एंटी कोडॉन आर है। ये एंटी कोडॉन आर में बेस पेयर संख्या 6, एक्सेप्टर आर में 7, टी साइड सी आर में 5, एंटी कोडॉन आर 5, और एक है डी आर, ये है डी आर। यहाँ भी बेस पेयर होते हैं, से होते हैं डी आर, और डी आर में बेस पेयर की संख्या होती है 4। डी आर का मतलब होता है डाई हाइड्रो यूरिडीन आर। डाई हाइड्रो यूरिडीन आर ये है पी आर एन ए अथवा सॉल्युबल आर। उत्तर लीजिए, इसके बेस पेयर आपको लिखे हैं, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है तीसरा राइबोसोमल आरएनए, पहला था एमआरएनए, दूसरा था डी लाइन चली गई। दस मिनट और रुक के बहुत ज्यादा एक मिनट दोबारा करके लाता हूँ लाइट का कुछ। आर आर एन ए आर आर एन ए यस सर
चलिए लिख लीजिए आर आरएनए के बारे में। देखिए राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स को इसमें दो मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन मेजर इसके अंतर्गत 28 ईयर्स 5 ईयर्स और 5.8 ईयर्स 28 यस 5 यस 5.8 यस यस का मतलब होता है स्वेन 1 से 40 एस सब इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक 18 एस है दूसरा 5.8 एस। याद रखना चाहिए मुख्य जो इसका कार्य है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। तो हाँ कार्य इसका है, यहाँ देख लो कार्य प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन वर्क मेन फंक्शन है। लास्ट है 2 से 3 मिनट का पॉइंट है, 2-4 10 पॉइंट है, इसको लिख लीजिए एंजाइम्स। ऑनलाइन क्वेश्चन कभी आए हैं उसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में लिख लो। द टर्म एंजाइम वॉज गिवन बाई डब्ल्यू को even by टर्मलाइन कर लेना। यह एक बायोकैटलिस्ट है जो लिविंग सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। ये एक बायो कैटलिस्ट है तो लिविंग सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। लिविंग सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। इनका नेचर प्रोटीन कोलाइडल और थर्मोलेबाइल होता है। नेचर की बात करें जो लक्षण है प्रोटीन
प्रोटीन कोलाइडर कैटलिस्ट टर्म वर्जिलियस ने दिया था, वर्जिलियस ने कब 1845 वेलोसिटी टेम्परेचर एंड वेलोसिटी पीएच का कर्व बेल शेप्ड कर्व होता है इनका। नेक्स्ट है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऐसी छोटी सी जगह जहां सबस्ट्रेट पॉइंट करके बाइंड करके कैटालिसिस के लिए पार्टिसिपेशन करता है, एक्टिव साइट है। लो मॉलिक्यूलर फंक्शनल एंजाइम को प्रोटीन से मिलकर कैसा लिखना, फंक्शनल एंजाइम जो प्रोटीन से मिलकर बनता है उसे होलो एंजाइम कहते हैं। कभी कभी ये होलो एंजाइम एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन ही है कुल मिला के। दो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा है, दो दो लाइन की, वो कई बार एग्जाम में आपसे कौन सी थ्योरी है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एंजाइम सब्सट्रेट
कॉम्प्लेक्स थ्योरी। पहली थ्योरी है लॉक एंड की मॉडल। दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, इसे फिशर टेम्पलेट थ्योरी भी कहते हैं। ये भी चला गया, ये भी खत्म हो गया। थोड़ा सा ग्रुप में भी डाल दीजिएगा पीडीएफ बना के, ताकि लोगों को ये तो हो जाए कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, कुछ लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया आज।